नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसबी मेडिसिन में। आज अपन बात करने वाले हैं मैकबेरी डीसी सिरप के बारे में। मैकबेरी डीसी सिरप को मैकलर्स फार्म बनाता है, जिसकी प्राइस है 119.75 रूपए पर पैक। ये 100 ml के पैक में होते हैं, जिसमें जो कंटेंट्स हैं वो हैं डेक्सट्रोमेथारफन हाइड्रोब्रोमाइड, क्लोरफेनडामिन मिलेट और इसमें होता है फिनाइलएफ्रेन हाइड्रोक्लोराइड। इसका यूज आप डॉक्टरी सलाह से करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ये सिरप आपको डॉक्टर के प्रिस्क्राइब पे सभी मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगी। मैकबेरी डीसी सिरप एक कफ और कोल्ड की एक बेस्ट कॉम्बिनेशन दवा है, जिसे सूखी खांसी और सामान्य सर्दी के इलाज में कहते हैं। जैसे कि अगर आपको बंद नाक की समस्या रहती है, गले में खराश या फिर गले में दर्द रहता है, छाती में जकड़न या गड़गड़ाहट की समस्या रहती है, तो ऐसी सभी समस्याओं में इसका यूज काफी इफेक्टिव है। और भी आपको गले में जलन हो रही है, फ्लू है, एलर्जी के लक्षण जैसे कि आंखों से पानी आने की समस्या है, छींके चलना, नाक बहना, नाक में जलन या खुजली, अगर आपको मतलब ऐसा लग रहा है कि नाक में खुजली चल रही है, तो इसी समस्याओं में भी इसका यूज काफी असरदार है। इसका यूज कर आप आराम पा सकते हो। इस सिरप में जो फिनाइलएफ्रेन है वो एक नेजल डिकंजेस्टेंट है, जो बंद नाक की समस्या में राहत दिलाता है। क्लोरफेनडामिन मिलेट एक एंटी एलर्जिक है, जो एलर्जी के लक्षणों में राहत देता है। और डेक्सट्रोमेथारफन हाइड्रोब्रोमाइड एक एंटी टसिव है, जो ब्रेन में कफ सेंटर की एक्टिविटी को कम करता है और आपको खांसी में राहत दिलाता है। सूखी खांसी, जिसे आप नॉन प्रोडक्टिव कफ भी कह सकते हो, जिसमें क्या होता है कि कोई भी कफ या बलगम नहीं बनता है। ये सूखी खांसी मतलब कफ वाली खांसी से ज्यादा खराब होती है, मतलब बहुत ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जैसे कफ वाली खांसी है तो उसमें क्या होता है कि मतलब जो आपका कफ है वो खांसी के साथ बाहर निकल जाता है और कुछ समय के लिए आपको आराम मिल जाता है। पर सूखी खांसी में ऐसा नहीं होता है, इसमें मरीज खास खास के परेशान हो जाता है, उसके सीने में दर्द होने लग जाता है, उसको गले में दर्द होने लग जाते हैं। तो ऐसी समस्याओं में मतलब अगर आप इसका यूज करते हैं तो ये काफी आराम दिलाती है। ऐसी खांसी का टाइम आप ध्यान रखें कि आप स्मोकिंग से बचें, तेल और घी की चीजों से बचें, और अगर आपको एलर्जी की वजह से खांसी चलती है, अगर आप धूल मिट्टी के संपर्क में या फिर पालतू जानवर के संपर्क में आते हैं, आपको खांसी चलने लग जाते हैं, तो आपको इनसे भी बचना है। इस टाइम आप प्रचुर मात्रा में तरल पदार्थ लें, इससे आपको काफी फायदा मिलेगा। बात करते हैं इसके सावधानियों के बारे में। तो अगर आपको फेफड़ों के संबंधी कोई भी गंभीर समस्या है या फिर आपको कोई भी सीवियर डिजीज है, साथ ही आप प्रेग्नेंट लेडी या ब्रेस्ट मदर है, तो इसे सभी कंडीशंस में इसका यूज करने से पहले आपकी जो भी स्थिति है वो डॉक्टर्स को जरूर बताएं। डोज की अपन बात करें तो छोटे बच्चों में से मतलब छोटे भी नहीं मतलब बच्चों में अगर इसका यूज किया जा रहा है तो 2.5 से 5 ml, बहुत ज्यादा छोटे बच्चों में इसका यूज नहीं करना है। बड़े अगर इसका यूज कर रहे हैं तो 5 से 10 ml सुबह शाम आपको लेना है। ये एक शुगर फ्री दवा है, इस कारण इसे शुगर पेशेंट भी ले सकते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसका टेस्ट काफी अच्छा है, ये शुगर मतलब स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की दवा है, जिस कारण इसे पीने में भी कोई ज्यादा आपको दिक्कत नहीं होगी। बात करते हैं इसके होने वाले साइड इफेक्ट के बारे में। तो भूख की कमी होना, हेडेक होना, नींद आना, पेट में गड़बड़ी होना, चक्कर आना और आपको उल्टी जी गड़बड़ी समस्या हो सकती है। ये साइड इफेक्ट कुछ टाइम के रहते हैं, कुछ टाइम बाद अपने आप ठीक हो जाते हैं। हाँ, अगर आपको इनके अलावा कोई भी अदर कंडीशन क्रिएट होती है तब ऐसे में आप इसका यूज बंद करें और तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको वीडियो जरूर पसंद होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।